राजधानी दिल्ली के भजनपुरा में एक ई कॉमर्स कंपनी के सीनियर मैनेजर की हत्या के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें मुख्य आरोपी समीर उर्फ माया को भी पकड़ लिया गया है। बताया जा रहा है कि इनकी गुरप्रीत से कोई निजी रंजिश नहीं थी, बल्कि रोड रेज की वजह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीन और की तलाश जारी है। गुरप्रीत गिल से इनकी कोई पुरानी रंजिश नहीं थी और रोड रेज की वजह से गुरप्रीत और उसके मामा पर फायरिंग की गई, जिसमें गुरप्रीत की मौत हो गई। हत्याकांड के मुख्य आरोपी का नाम समीर उर्फ माया है। दिल्ली के भजनपुरा में एक ई कॉमर्स कंपनी के सीनियर मैनेजर हरप्रीत गिल की हत्या मामले में पुलिस ने अब तक दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों का नाम समीर उर्फ माया और बिलाल गनी है। हत्याकांड का मुख्य आरोपी समीर है। समीर ने ही झगड़े के बाद हरप्रीत गिल के सिर पर गोली मारी। मेरे बच्चे को दो दिन हो गया, अभी नहीं आया रे मेरा बच्चा। उसके 10 मिनट ही नहीं पूरे हुए। आए मेरे बच्चे को ला दो। पुलिस ने जब गिरफ्त में आए समीर उर्फ माया की क्राइम कुंडली खोली तो उसकी सनक का खुलासा हुआ। समीर की उम्र महज 18 साल है और वो इलाके में माया गैंग चलाता है। गैंगस्टर के फिल्मी किरदार से प्रेरित होकर उसने अपना नाम माया रखा और फिर इलाके में अपनी दहशत फैलाने के लिए एक गैंग भी तैयार किया। समीर उर्फ माया को हथियारों के साथ सोशल मीडिया में तस्वीरें डालने का भी शौक है। ये हथियारों को लेकर उसकी सनक बताती है। वो छोटी सी उम्र में डॉन बनने की ख्वाहिश रखता था। समीर पर नाबालिग रहते ही मर्डर, हत्या का प्रयास, लूट और आर्म्स एक्ट के 10 मामले चल रहे हैं। ये बाल सुधार गृह से कुछ समय पहले ही बाहर आया था। समीर ने इलाके में अपनी दहशत फैलाने के लिए 20-25 लड़कों का एक गैंग भी बना रखा है, जो कभी भी कहीं भी ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं। लोग इनके डर के चलते पुलिस से शिकायत भी नहीं करते हैं। हाल ही में बालिग हुआ है समीर उर्फ माया। बाल सुधार गृह में भी पुलिस प्रशासन के लिए सिर दर्द बना हुआ था। माया जुर्म की दुनिया का बादशाह बनना चाहता है। वहीं पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ है कि घटना वाली रात पांचों आरोपियों ने पार्टी की थी, जिसके बाद सभी बाइक और स्कूटी से निकले। रास्ते में उनका सामना गुरप्रीत से हुआ। महज बाइक पहले ले जाने की जिद की वजह से आरोपियों ने गुरप्रीत और उसके रिश्तेदार पर गोलियां बरसा दी। बताया जा रहा है कि गुरप्रीत से उनकी कोई पुरानी रंजिश नहीं थी। रोड रेज के दौरान इस वारदात को अंजाम दिया गया। गोली चलने के बाद मौके पर हरप्रीत की मौत हो गई और उनके मामा इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी जो हालत है वो काफी ज्यादा नाजुक बताई जा रही है। इस वक्त हमारी मौजूदगी उसी क्राइम सीन पर है, जहां एक बार मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगी। आप देख सकते हैं किस तरीके से अभी भी यहाँ चारों तरफ जमीन पे खून के जो धब्बे हैं वो देखने को मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं यही वो जगह है जहां पर हरप्रीत के ऊपर गोली जो है वो चलाई गई थी। साथ ही साथ हम आपको पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरी जगह को दिल्ली पुलिस की तरफ से मार्क किया गया है। खून के जो धब्बे हैं वो देखने को मिल रहे हैं और जो बुलेट के जो शॉट्स हैं वो भी यहां पर देखने को मिल रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं साफ तौर पर यहां पुलिस के डू नॉट क्रॉस का जो है, आप देख सकते हैं यहां पर पट्टा पड़ा हुआ है और साथ ही साथ यहां गन बुलेट की जो मार्किंग्स है वो देखने को मिल रही है। ये पूरी जो शॉट्स है उसको मार्क किया गया है। समीर उर्फ माया की इंस्टाग्राम प्रोफाइल राइफल और पिस्तौल दिखाते हुए तस्वीरों और वीडियो से भरी हुई है। ऐसा लगता है कि पुलिस ने निगरानी के दौरान इन्हें नजरअंदाज कर दिया। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। सीसीटीवी की मदद से बाकी आरोपियों की भी पहचान कर ली गई है। पुलिस जल्द ही उन्हें गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं मारे गए हरप्रीत की मां ने आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। मोदी जी भी दिला देंगे, योगी जी भी को भी कहना मेरे बच्चे को दिला रहे, मेरे बच्चे को दिला दे। अगर किसी ने गोली भी मारी है ना, मुझे इंसाफ दिला दो। मैं कह रही हूँ अगर मेरे बच्चे को मारे मैं उसे मार दूंगी, उसको मरवा दो, फांसी की सजा जरूर दिलाना। मेरा बच्चा है लेकिन अभी मुझे ये मुझे पता नहीं है मेरे बच्चे को मतलब किसी को भी मार योगी को ये थोड़ा ही और मोदी जी को इंसानियत ही नहीं रहेगी कोई क्या और अमित शाह को भी
कह देना मेरे बच्चे किसी भी उसमें कोई दुश्मनी नहीं कुछ नहीं। तो रास्ता देने को लेकर के जो लड़ाई हुई वो खूनी अंजाम तक पहुंच गई। जहां पर ये हत्याकांड हुआ वहां से हमारी सहयोगी अनुष्का गर्ग की ये रिपोर्ट देखिए। कैसे एक मामूली सी बात को लेकर दिल्ली के भजनपुरा में रहने वाले हरप्रीत की जान ले ली गई। ये मामला 29 तारीख के देर रात का है जब हरप्रीत अपना सारा काम खत्म करके घर के लिए वापस लौट रहे थे। तभी 5 बदमाशों ने मिलकर उनको घेरा और उनके साथ साथ उनके मामा के ऊपर भी गोली चलाई। गोली चलने के बाद मौके पर हरप्रीत की मौत हो गई और उनके मामा इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी जो हालत है वो काफी ज्यादा नाजुक बताई जा रही है। इस वक्त हमारी मौजूदगी उसी क्राइम सीन पर है जहाँ एक बार मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगी। आप देख सकते हैं किस तरीके से अभी भी यहाँ चारों तरफ जमीन पे खून के जो धब्बे हैं वो देखने को मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं यही वो जगह है जहाँ पर हरप्रीत के ऊपर गोली जो है वो चलाई गई थी। साथ ही साथ हम आपको पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरी जगह को दिल्ली पुलिस की तरफ से मार्क किया गया है। खून के जो धब्बे हैं वो देखने को मिल रहे हैं और जो बुलेट के जो शॉट्स हैं वो भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं साफ तौर पर यहाँ पुलिस के डू नॉट क्रॉस का जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर पट्टा पड़ा हुआ है और साथ ही साथ यहाँ गन बुलेट की जो मार्किंग्स है वो देखने को मिल रही है। ये पूरे जो शॉट्स हैं उसको मार्क किया गया है। इन्वेस्टिगेशन के बाद बताया गया दिल्ली पुलिस की तरफ से जो बात सामने निकल कर आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि मामला रोड रेज का है। हरप्रीत जब अपने घर के लिए निकले थे तब वही माया गैंग में शामिल 5 बदमाश जिसमें से एक का नाम बिलाल गानी था, साथ ही साथ सोहेल, समीर, जुनैद और अदनान नाम के आरोपी शामिल थे जिसमें से बिलाल गानी को गिरफ्तार किया गया है। उनकी उम्र 18 साल की है और इस पूरे वारदात में शामिल जितने भी बदमाश हैं उन सब की उम्र करीब 18, 19 और 23 साल बताई जा रही है। इस मौके पर ही ये जो गली है यहाँ बताया जा रहा है कि इधर से हरप्रीत निकल रहे थे, साथ ही साथ देर रात पार्टी करने के बाद 5 बदमाश भी इसी रास्ते से जो है आ रहे थे क्योंकि गली काफी ज्यादा तंग है। आप साफ तौर पर तस्वीरों में भी देख सकते हैं। तो दोनों के बीच इस बात को लेकर के बहस हुई कि पहले कौन निकलेगा। बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसी मौके पर जो है एक जो माया गैंग में शामिल आरोपी थे उनमें से एक ने बंदूक निकाली और उसी वक्त गोली चला दी जिसके बाद हरप्रीत की मौके पर मौत हो गई और उनके मामा इस वक्त उनकी हालत काफी ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। भजनपुरा का वही इलाका है जहां पर ये पूरी जो घटना है उसको अंजाम दिया गया और जितने भी आरोपी हैं उनमें से एक आरोपी पकड़ा गया है, बाकी 4 आरोपी अभी भी फरार हैं। दिल्ली पुलिस अभी भी इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ती नजर आ रही है। अनुष्का गर्ग, जी मीडिया, दिल्ली। Zee